भाजपा ने सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। सुनील जाखड़ उन नेताओं में से हैं जो दूसरी पार्टी से भाजपा में आए और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान मिली। पंजाब के नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ महज 13.5 महीने पहले पार्टी में आए हैं। सुनील जाखड़ के परिवार का कांग्रेस से 50 साल का लंबा साथ था। खुद जाखड़ 4 साल तक यानी कि साल 2017 से 2021 तक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। जाखड़ साल 2012 से 2017 तक कांग्रेस के नेता के तौर पर पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। जाखड़ ने साल 2002 में अबोहर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायकी का चुनाव जीता था। वो साल 2002 से 2017 तक अबोहर सीट से लगातार 3 बार विधायक चुने गए। फिल्म अभिनेता और भाजपा सांसद विनोद खन्ना के निधन के बाद हुए गुरुदासपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। सुनील जाखड़ के पिता डॉक्टर बलराम जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वो 10 साल तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। बलराम जाखड़ को मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था। जाखड़ परिवार का पंजाब के अबोहर जिले में बड़ा राजनीतिक रसूख है और पड़ोस के जिलों में भी उनकी काफी मजबूत पकड़ है। ऐसा नहीं है कि सुनील जाखड़ के परिवार का कांग्रेस से संबंध खत्म हो गया है। सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ अभी भी कांग्रेस विधायक हैं। पंजाब में कांग्रेस का पर्याय रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद सुनील जाखड़ ने भी कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था और उसके साथ ही साफ हो गया था कि पंजाब में कांग्रेस का किला दरकने लगा है। कांग्रेस आलाकमान से नोटिस मिलने के कुछ दिनों बाद उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी और फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। जैसा मैं अभी बोल रहा था कि उतनी बड़ी जिम्मेदारी है जितना बड़ा विश्वास मुझ में व्यक्त किया है शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय खुद प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनके विश्वास की कसौटी पर पूरा उतरे। और उससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ विश्वास पार्टी के कार्यकर्ता का और पंजाब के लोगों का कि एक मात्र आज पंजाब के सामने विकल्प जो है वो बीजेपी ही है, क्योंकि पंजाब के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2/3 बहुमत जरूर दे दिया उन्होंने आम आदमी पार्टी को, परंतु जिस बदलाव को लेके किया था वो बदलाव रास नहीं आ रहा पंजाब के लोगों को। पंजाब को आज हरेक तरफ से पंजाब के हालात खस्ता दयनीय होती जा रही है। जो पंजाब एक नंबर का सूबा था, कर्ज में मोहताज है, डर और खौफ का माहौल है, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तो ये सारी बातें आज लोगों के मानसिक पटल के ऊपर है। राजनीतिक तौर पे जहां ये आम आदमी पार्टी ने लोगों को ठगा हुआ महसूस कराने पर लगाया है, वहीं लोग जो तथाकथित सो कॉल्ड रिकग्नाइज्ड अपोजिशन वहां पे बैठे हैं, 18-18 लिए लोग बैठे हैं कांग्रेस वाले, उन्होंने घुटने टेक रखे हैं। आज पंजाब की आवाज उठाने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि भगवंत मान जी आंख में आंख डालने की चुनौती देके कहते हैं मेरे से आंख में आंख डाल के बात करो, तुम्हारे सारों के खाते में खोले बैठो, सबको अंदर करूंगा, और सारी विपक्ष आंखें नीचे कर लेती है। ये लोकतंत्र के लिए ये वन हॉर्स रेस बन के रह गई है साहब, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम एक विकल्प के तौर पे अपने आप को पेश लोगों के करेंगे। लोग ये बात आज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। संगरूर में देखा, जलंधर के बाईपोल के अंदर देखा, आने वाला समय बीजेपी का है और हम उस पे कार्य करेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।